सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मज़ीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी बिल्कुल, सेनेट के नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब अनवर अजीज चौहान उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ ही देर कबल वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी लीगल टीम के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर पहुँच कर अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया। इसी तरह से सुन्नी इतिहाद कौंसल के रहनुमा वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल हो गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में एक रुकनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है, जहां पर इस हवाले से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज होंगे। तो इसी तरह से शेड्यूल के मुताबिक फिर 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज होगा। तो आज कागजात नामजदगी के जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी है।